भारतीय जनता पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल में पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय के काफिले को पश्चिम बंगाल के नवग्राम इलाके में भीड़ ने घेर लिया। इसको लेकर विजयवर्गीय ने ट्वीट किया और कहा कि कोई उनका फोन नहीं उठा रहा। निर्भया मामले में अक्षय, पवन, विनय और मुकेश की दया याचिका दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट पर सुनवाई की और तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि वे दोषियों को एक हफ्ते का नोटिस जारी करें। इस फैसले पर अदालत में मौजूद निर्भया की मां आशा देवी रो पड़ी। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के कुछ स्थानों में विरोध जारी है, जबकि कुछ स्थानों पर स्थिति नियंत्रण में है। बुधवार को रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सैन्य बलों की तैनाती पर चिंता जताई। अपने पहले प्रचार दौरे पर झारखंड पहुंची प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर आदिवासियों की जमीन छीनकर चैत्र उद्योगपतियों को देने का आरोप लगाया है। बुधवार को साहिबगंज जिले के बरहड़ावा में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रचार में सुपर हीरो है लेकिन काम में सुपर जीरो है। बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान परस्त ताकतें उनके देश में जो गड़बड़ी फैलाने की कोशिशें कर रही हैं उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ये बात उन्होंने 49वें विजय दिवस को लेकर आवामी लीग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय महासचिव और मल्लापुरम से सांसद पी के कुनहलकुट्टी ने सुप्रीम कोर्ट के नागरिकता संशोधन एक्ट पर केंद्र को दिए गए नोटिस पर खुशी जाहिर की है। पी के कुनहलकुट्टी नागरिकता कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं में एक याचिकाकर्ता है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म के तहत केंद्र के बफर स्टॉक से राज्य सरकारों को औसत बाजार दरों पर करीब 8.5 लाख मीट्रिक टन दालें जारी करने की पेशकश की है। देशभर में दालों की उपलब्धता और उनकी कीमतों की समीक्षा के लिए उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गई। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। केरल के कन्नूर जिले में पिनराई इलाके के पास नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हमला किया गया। छात्रों का आरोप है कि उन पर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम के एसीएस वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 50 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 387 रन बनाए।